मोहन प्रसाद अरयाल, असिस्टेंट सीडीओ ऑफ बांके डिस्ट्रिक्ट। सर, आप आज आप लोगों ने बॉर्डर की सफाई की है, क्या है और कैसे पीड़ा आएगी बॉर्डर की सफाई की जाए? विशेषतः यो दुर्व्यस के लिए जो लागू से दुर्व्यसनी और स्वच्छताई के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए संयुक्त रूप में स्वच्छताई करते इसको सुख संदेश देने का। अच्छा, ये सफाई अभियान कब से शुरू है, कितने दिन तक रहेगी सर? हाँ, ये एक सप्ताहव्यापी कार्यक्रम है। आज छठवा दिन है। कल हमारा 26 जून को अंतिम दिन है। उसमें चाहिए हमारे प्रभात फेरी होते हैं और लागू अधिवेशन के विरुद्ध में सचेतना कार्यक्रम मनाते। सर, आपका शुभ नाम? मैं एसपी सशस्त्र प्रहरी बल नंबर 30 बटालियन का कमांडर हूँ। तो मैं विगत 11 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ। सर, आज आप लोगों ने बॉर्डर की सफाई की, नोमेंस लैंड की सफाई की है, कहाँ से प्रेरणा आई और काफ़ी दिन से तो यहाँ गंदगी पड़ी थी? नहीं, ये हमारा दोनों देश का एसएसबी और नेपाल हम एपीएफ बीच में वार्ता हुआ था कि बॉर्डर में ऐसा कचरा है और नेपाल और इंडिया में बहुत सारी समस्या है। वो दोनों देश के सुरक्षा अधिकारी और सुरक्षा कर्मी और आम जनता मिल के इसको साफ करना चाहिए, वो हम बात कर रहे थे। और आज अंतर्राष्ट्रीय लागू औषध वस्त्र प्रसार विरुद्ध का दिवस भी है, इसी सिलसिले में हमने ये साफ सफाई और बहुत सारे और भी कार्यक्रम किए। तो आज के दिन में हमने ये बॉर्डर का साफ सफाई करने की हमने योजना बनाई। इसी योजना के मुताबिक हमारे एसटीएम साहब, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, आम यहाँ का आम लोग, जनता लोग और एसएसबी के ईश्वर साहब और ईश्वर का जवान, सब हम मिलके, पत्रकार सभी मिलके, और यहाँ परिवर्तन नेपाल एउटा एनजीओ भी है, वो लोग और बहुत सारी एनजीओ भी यहाँ शामिल है, हम सब मिलके आज इसको साफ कर रहे हैं। और ये सिम्बोलिक है और हम आगे दिन में और भी इसको निरंतरता देंगे।